वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमन मोहब्बत और रवादारी की राहदारी खोल दी। गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। सिखों का 72 साल पुराना ख्वाब पूरा हो गया। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शिरकत। भारत में अदलो इंसाफ का जनाजा निकल गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेक दिए। तारीख को झुटला दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा। मस्जिद की जमीन हिंदुओं के हवाले करने का हुक्म। बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन फराहम की जाएगी। नवाज शरीफ की तरह आसिफ अली जरदारी को भी जल्द रिलीफ मिल जाएगा। ओपोजिशन की रहबर कमेटी के कन्वीनियर अकरम खान दौरानी का बड़ा दावा। समा के प्रोग्राम सवाल में कहा, आजादी मार्च के हवाले से आइंदा 2 दिन में बड़ा कदम उठाएंगे। अगला कदम हुकूमत के लिए परेशान कुन होगा। जुडिशल या पार्लिमानी कमीशन की पेशकश पुरानी है, अब भरोसा नहीं कर सकते। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर शहर करिया करिया मसाजिद पर चरागा। कराची इस्लामाबाद लाहौर और पेशावर में गली मोहल्ले जगमगा उठे।